एक बार फिर अग्रवाल परिवार की गाड़ी राठी सदन के बाहर खड़ी थी। उमा ने अपने सनग्लासेस पहने और गाड़ी का दरवाजा खोला। आदित्य गाड़ी से निकलकर सीधा घर के अंदर जा रहा था। इतने में पीछे से उमा बोली, आदि हम भी हैं। ये सुन वो रुक गया। सब दरवाजे पर पहुंचे और आदि ने जोर से घर की बेल बजाई। घर के अंदर पकौड़े तल रही शांति चिल्लाई, अरे मिली नहीं, वो तो कपड़े धो रही है। आरती नहीं, वो महारानी तो घर पर ही नहीं है। कोई दरवाजा खोलेगा या नहीं? खाना भी मैं बनाऊं, दरवाजा भी मैं खोलूं, सब मैं करूं। शांति की इतनी शिकायतें सुन विनोद किचन में आए और बोले, नहीं तुम दरवाजा नहीं खोलोगी, तुम पकौड़े तल रही हो, ऐसे में तुम बेसन वाले हाथ अपने माथे पर लगाकर दरवाजा खोलोगी और कोई ऋषि कपूर दरवाजे पर खड़ा हो तो मेरा तो पत्ता कट जाएगा। ये सुन शांति ने कहा, हाँ हाँ मैं बड़ी डिंपल कपाड़िया हो रही हूँ ना। इस पर विनोद मुस्कुराते हुए बोले, एक्टिंग में तुम उससे कम नहीं हो। आंगन में कपड़े धो रही मिली उनकी बातें सुन जोर से हंसने लगी। शांति उसे देख बोली, हाँ खी कर तू बस, अभी रुक, अभी तो और खिल्ली उड़ाएंगे तेरे बाबा मेरी। इस पर विनोद अपनी सफाई देते हुए बोले, अरे मैंने तो तारीफ की। शांति ने इसका जवाब देते हुए कहा, तारीफ नहीं काम ही कर लो, जाओ दरवाजा खोलो। रुकिए मैं खोलती हूँ दरवाजा। ये कहते हुए मिली दरवाजे की तरफ चली गई। उसने जब दरवाजा खोला तो उसके सामने आदित्य अपने पूरे परिवार के साथ खड़ा था। वो सबको वहां खड़े देख हैरान हो गई। उमा ने बड़े ही प्यार से उससे कहा, हेलो बेटा। मिली जो उन्हें देख अब तक शॉक में थी हिचकिचाते हुए बोली, नमस्ते आंटी। हाँ बेटा नमस्ते। मिली नमस्ते करते हुए वहीं खड़ी रह गई। उन्हें अचानक वहां देख वो इतनी हैरान हो गई कि वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। ये देख उमा उससे बोली, तो हम अंदर आए के? उनके ये कहते ही मिली हड़बड़ा गई और बोली, नहीं नहीं अंदर आइए ना। सब घर के अंदर आए। मिली ने आदित्य की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो उसने आंखें मीचते हुए इशारा किया कि वो सब संभाल रहा है। पर उमा के परिवार को वापस अपने घर में देख शांति के तो होश ही उड़ गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि अग्रवाल परिवार आया है। शांति और विनोद किचन से निकल उनके सामने आए। विनोद ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सा आपका वापस यहाँ पधारना हुआ, सब कुशल मंगल। शांति ने विनोद के जोड़े हुए हाथ नीचे खींचे। पिछली बार जिस तरह से वो आरती के लिए ना करके गए थे उसकी वजह से शांति को वो अब बिल्कुल नहीं पसंद थे। वो तो उन्हें बड़ी शक की नजर से देख रही थी। उन्होंने मन में ही सोचा, अब क्यों आए हैं यहाँ, कहीं अपने बेटे के शादी का कार्ड देने तो नहीं आए? हो भी सकता है, ये उमा है तो लोमड़ी टाइप, आ भी सकती है। फिर आकर कहेगी, आरती बेटा हमारे बेटे की शादी तुमसे नहीं हो पाई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे घर की शादी नहीं देख पाओगी। तुम जरूर आना हमारे बेटे की शादी में, तुम जैसी संस्कारी और प्यारी हमारी बहू नहीं बन पाई तो क्या हुआ, तुम हमारे घर की शादी में जरूर आना। ओके बेटा। करेले की मिठाई है ये उमा जी, मीठी छुरी बिल्कुल, ऐसा मीठा मीठा बोलकर फिर मेरी आरती का दिल तोड़कर चली जाएगी। यही सब सोच शांति उनसे बोली, अगर छोटी चौपड़ में किसी के घर का पता भूल गए हो तो ठीक है बताए देते हैं, बताइए कहाँ जाना है आपको। ये सुन विनोद ने गुस्से में शांति की तरफ देखा और उनसे फुसफुसाए, ये क्या कह रही हो तुम शांति। शांति ने उन्हें चुप रहने को इशारा किया तो उमा बोली, एक्चुअली हम सही पते पर आए हैं, हमें आपसे ही मिलना है। उनकी ये बातें सुन शांति और विनोद दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे और सोचने लगे कि आखिर अब क्या काम होगा उन्हें यहाँ। इतने में विनोद बोले, आइए हम बैठकर बात करते हैं। उमा मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू, मुझे लगा शायद अब यहाँ हमारा कोई स्वागत ही नहीं करेगा। इस पर विनोद उनसे बोले, अरे नहीं नहीं बहन जी, ये कैसी बात कर रही हैं आप, आइए अंदर आइए। उन सबको अंदर जाता देख शांति को बड़ा गुस्सा आ रहा था। उन्होंने मिली से कहा, देखा कैसे बोले तेरे पापा, आइए आइए।
मैं तो उन्हें दरवाजे से ही वापस भेज दूं। मिली ने ये बात सुन माँ से नजरें चुरा ली। उसे पता था आदित्य अपने परिवार को यहाँ क्यों लाया था। वो उससे शादी करना चाहता था। वो इस बात से हैरान थी कि आदित्य ने अपने परिवार को शादी के लिए मना भी लिया। अंदर सोफे पर बैठते हुए उमा आदित्य के कान में धीरे से बोली, तेवर देखे इनके, आदि तुम सच में इस घर में रिश्ता करना चाहते हो? हाँ मॉम प्लीज। आदित्य के इतना कहने पर उमा ने अपना गुस्सा दबा दिया। फिर रमेश विनोद की तरफ देख उनसे बोले, देखिए पहले जो भी हुआ उसे भूलकर हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ जी बताइए, रमेश ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। वो हम आपके यहाँ रिश्ता लेकर आए हैं। ये सुन शांति के कान खड़े हो गए। अब तो उनका सारा गुस्सा रफू चक्कर हो गया। वो तो इतनी खुश हो गई कि बोल पड़ी, अच्छा तो अतुल बेटा ने फिर से सोचा आरती के बारे में। इस पर उमा झट से बोली, नहीं अतुल की बात नहीं करने आए हैं हम। हम यहाँ आदित्य का रिश्ता लेकर आए हैं मिली के लिए। ये सुन शांति और विनोद दोनों हैरान हो गए। ये कैसे हुआ? उनकी समझ के बाहर था। तभी विनोद उन्हें हैरानी से देखते हुए बोले, मिली पर उसकी तो शादी की बात भी नहीं की हमने, फिर मिली कैसे? उन्हें जवाब देते हुए उमा ने कहा, क्या कर सकते हैं, बच्चे बड़े हो ही जाते हैं। हम कहाँ कहाँ जाकर बच्चों को संभालेंगे, आखिर वो फंस ही जाते हैं। मेरा मतलब बच्चों के बीच हम फंस जाते हैं। उनकी बात सुन शांति हैरान होकर बोली, एक मिनट, मतलब आरती के लिए रिश्ता नहीं है, मिली के लिए है, और वो भी छोटे बेटे का। पहले आपने ही इतना शोर मचाया कि बड़ी बेटी बैठी है तो छोटी बेटी की शादी कैसे, अब खुद अपने बेटे का रिश्ता हमारी बड़ी बेटी के लिए लेकर आ गए। इस पर उमा उनसे बोली, देखिए बहन जी, बोलने को तो मैं भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ, पर मैं शब्दों की मर्यादा जानती हूँ, इसलिए आपके और मिली के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। अगर आपको ये रिश्ता नहीं करना तो आप सीधा बात कर सकती हैं। तभी आदित्य बीच में बोला, नहीं आंटी प्लीज, आप मना करने से पहले एक बार मुझे सुन तो लीजिए। इतनी देर से नजरें झुकाए खड़े मिली ने आदित्य की तरफ देखा। शांति की चुप्पी देख वो बोला, आंटी मैं मिली से प्यार करता हूँ। ये सुन शांति ने हैरान होते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये आजकल के बच्चे भी क्या क्या बोल देते हैं। तभी आदित्य आगे बोला, आई नो आपको ये डायलॉग बहुत फिल्मी लग रहा होगा, पर ये सच है, और मैं इससे ज्यादा सिंपल तरीके से नहीं बता पा रहा था। आपको मुझे लेकर बहुत सारे डाउट्स होंगे, मैं समझ सकता हूँ। आप मुझसे जो चाहे पूछ सकते हैं, मैं आपके सब सवालों का जवाब दूंगा। और एक बात का यकीन मैं आपको अभी दिला दूं, मिली को मैं हमेशा खुश रखूंगा और जिंदगी भर उसका साथ निभाऊंगा। ये सुन विनोद उससे बोले, बेटा ये क्या कह रहे हो आप? आपको सबको तो पता है मिली की कुंडली में दोष है। नहीं, आदित्य की ना शांति भड़क गई और बोली, नहीं मतलब क्या? हमने साफ साफ बताया था इसकी कुंडली में दोष है, कितने साल का है ये भी बताया था, हमने कोई बेईमानी नहीं की। ये सुन उमा बीच में बोली, जी आपने ये सब तो नहीं छुपाया, बस मिली को ही छुपा दिया था। ये सुन शांति का पारा चढ़ गया। उमा का इस तरह उन्हें कटाक्ष करना आदित्य को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने बात संभालते हुए कहा, मॉम ये सही कह रही हैं, उन्होंने सब बताया था। और आंटी आप प्लीज मेरी बात पूरी तो सुन लीजिए। मैं कह रहा था कि नहीं, मिली की कुंडली में कोई दोष नहीं है। इस पर शांति ने चिल्लाते हुए कहा, क्या? हाँ, उसने अपनी जेब से कुंडली निकालते हुए कहा, ये देखिए मैंने कितने पंडितों से मिली की कुंडली बनवाई, सबने यही कहा कि इनकी कुंडली में कोई दोष नहीं है। हमने हमारे परिवार के पंडित को भी दिखाया, उन्होंने भी यही कहा कि कुंडली बहुत शुभ है, अगर ये हमारे घर आएगी तो शुभ कदम लेकर आएगी। उसने एक नजर मिली की तरफ देखा, मिली ने नजरें झुका दी। विनोद ने वो कुंडली देखी और बोले, देखिए मुझे तो कुंडली देखनी आती नहीं, हमारे बहुत पुराने पंडित हैं, उन्होंने बनाई थी मिली की कुंडली। उसके क्या, हमारे घर में सभी की कुंडलियाँ उन्होंने ही बनाई थी, मेरी भी, वो गलत कैसे हो सकते हैं? उमा उनसे बोली, एक काम कीजिए इन पंडित को भी दिखा दीजिए,
जिन्होंने मिली की कुंडली बनाई। ये सुन आदित्य घबरा गया। जिन पंडित ने मिली की असली कुंडली बनाई होगी वो तो उसकी नकली कुंडली झट से पकड़ लेंगे, फिर तो पूरा खेल खत्म। फिर उसकी शादी मिली से होना मुश्किल क्या, नामुमकिन है। तभी विनोद ने बताया, जी उनके पास तो जा नहीं सकते, वो बहुत बूढ़े हो गए हैं, वो तो कब का। उन्होंने ऊपर देखते हुए हाथ जोड़े। तो माँ बोली, ओह आई एम सॉरी, तो फिर किसी और पंडित को दिखा दीजिए। क्या है कि रिस्क हमारा है, अगर आपकी कुंडली सही है तो मिली से शादी करने के बाद उसके पति की जान को खतरा है। हम आदित्य को किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहेंगे, तो प्लीज ये हम पर ही एहसान होगा अगर आप किसी और पंडित को भी दिखा दें ये कुंडली। आदित्य घबराते हुए बोला, मॉम कितने पंडितों को दिखाएंगे आप, इतनों को तो दिखा दिया। ये सारी बातें हो रही थी और शांति इतनी देर से चुपचाप सब सुने जा रही थी। तभी बाहर रिक्शा से आरती उतरी और अपने घर के बाहर इतनी लंबी कार देखकर बोली, ये लोग पार्किंग सही से नहीं करते, इतनी अच्छी पिक्चर देखकर आई और आते ही मूड खराब कर दिया। हमारे घर के गेट पर ही पार्क कर दी कार, अभी माँ को बताती हूँ, अच्छे से चिल्लाएगी दुकान वाले पर। वो गुस्से में अंदर गई तो सामने जो देखा उसे देखकर वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। अंदर पूरा अग्रवाल परिवार बैठा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दिन बैठा हुआ था। आरती ने मन ही मन सोचा, ये क्या हो रहा है, मेरा दिमाग रिवाइंड हो रहा है या सच में ये लोग वापस हमारे घर आए हैं। शांति ने आरती को देखा और फिर अतुल को, उसके दिमाग में कुछ पकने लगा। तभी विनोद अग्रवाल परिवार से बोले, माफ कीजिए पर हमें ये थोड़ा अजीब लग रहा है। ये तो, शांति ने उनका पूरा वाक्य करते हुए कहा, ये तो बदतमीजी है। उनकी ये बात सुन उमा को गुस्सा आ गया, वो भड़कते हुए बोली, बदतमीजी, आप गलत शब्द इस्तेमाल कर रही हैं। हम आदित्य की वजह से यहाँ आए हैं, वो मिली से शादी करना चाहता है, हमने मना किया पर वो नहीं माना, अगर वो हमारी मानता तो हम यहाँ कभी नहीं आते। ये सुनकर आरती का मुंह खुला का खुला रह गया। ये वो मन ही मन खुद से बोली, आदित्य मिली से शादी, ये कब हुआ। फिर उसे वो दिन याद आ गया जब वो अतुल के साथ गार्डन में थी और आदित्य मिली की तरफ गुलाब का फूल बढ़ा रहा था। उसे तभी लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है, पर लगा नहीं था कि बात इतनी सीरियस हो जाएगी। शांति कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा ठीक है, आप चाहते हैं कि आदित्य की शादी मिली से हो, आप हमारी हाँ के लिए यहाँ आए हैं तो हम हाँ कहते हैं। ये सुन आदित्य खुश हो गया और उमा हैरान। आदित्य उठा और शांति के पैर छूने आगे बढ़ा, पर शांति पीछे हो गई और फिर बोली, मेरी बात पूरी नहीं हुई है अभी तक। ये सुन आदित्य हैरान होकर उन्हें देख रहा था। तभी शांति ने कहा, अगर आप चाहते हो कि आदित्य की शादी मिली से हो तो मेरी एक शर्त है। ये सुन उमा ने गुस्से में कहा, शर्त, कैसी शर्त। शर्त ये है कि अतुल की शादी आरती से होगी तो ही हम आदित्य और मिली की शादी के लिए हाँ करेंगे। उनकी ये शर्त सुन विनोद उनके पास जाकर धीरे से बोला, ये क्या कर रही हो तुम शांति, सौदा कर रही हो तुम, बेटियां हैं ये तुम्हारी। शांति ने उन्हें जवाब देते हुए कहा, वही, दोनों बेटियां हैं मेरी, मुझे दोनों की उतनी ही परवाह है, मेरी एक बेटी की बेइज्जती करके मैं इन्हें अपनी दूसरी बेटी नहीं दे सकती, करना है तो दोनों को अपनाना पड़ेगा। ये सब आदित्य को सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा, उसका मिली के साथ शादी करने का सपना उसे टूटता दिख रहा था। मिली की आंखों ने कभी अपने लिए सपने देखे ही नहीं थे, पहली बार उसने अपने लिए कुछ सपने संजोए, कुछ अपने बारे में सोचा। पहली बार वो थोड़ी खुदगर्ज हुई थी, पर बदले में उसे इतनी परेशानी मिली। उनके रिश्ते का अब क्या होगा, दोनों के मन में यही सवाल चल रहा था। ये कैसी शर्त रख दी शांति ने, अब सब अतुल के हाथ में था, वो क्या फैसला लेगा, इसका इंतजार सबको था। यहाँ बस इतना ही, आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स
और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज, तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।